गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 एक ऐसी खबर है जो वक्त की तेज रफ्तार के साथ चलती है और बताती है आपके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए जानने के लिए देखते हैं फास्ट 15। ड्रग्स मामले में एनसीबी का सिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी मामले में कॉमेडियन भारती की गिरफ्तारी हो गई है। शनिवार को मुंबई में एनसीबी ने 3 जगहों पर छापेमारी की। कॉमेडियन भारती और उनके हस्बैंड हर्ष के घर पर छापेमारी हुई है। भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ था। घर के सामने अपने भाई के साथ खेलते खेलते 2 वर्षीय बच्चा अचानक लापता हो गया। लापता बच्चे का नाम सुजय विश्वास है। वो सॉल डेक के पोलोनाइट इलाके का रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचना सबके लिए जरूरी है, इसलिए उसमें वीआईपी और नॉन वीआईपी का कोई सवाल नहीं है, न ही उसके लिए कोई श्रेणी होनी चाहिए। जम्मू के नगरोटा में गुरुवार को एक एनकाउंटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों के पास से पाकिस्तान की एक कंपनी का डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से आतंकियों की क्या बात हो रही है, ये उस मोबाइल के मैसेज से मिला है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर विवाद और LOC पर पाक की ओर से जारी फायरिंग के बीच RKS भदौड़िया ने बंगलुरु में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जायजा लिया। एयर मार्शल RKS भदौड़िया ने कहा है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बहुत जल्द भारतीय रक्षा तंत्र का हिस्सा बनेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार दिल्ली और मुंबई के बीच का विमान सेवा को बंद करने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि सिर्फ विमान सेवा ही नहीं, दोनों राज्यों के बीच जारी रेल सेवा भी रोकी जा सकती है। अरब सागर और हिंद महासागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मालाबार युद्ध अभ्यास में चीन की टेंशन बढ़ा दी है। शुक्रवार को सामने आए वीडियोस में भारतीय नेवी के MiG-29 और अमेरिकी नेवी के F-18 लड़ाकू विमान जर्मनी सेना पर हमले का युद्धाभास करते हुए दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में एक गांव के अंदर जबरदस्त कोरोना विस्फोट हुआ है। पूरा का पूरा गांव कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। एहतियात के तौर पर फिलहाल गांव में किसी भी टूरिस्ट या लोकल व्यक्ति के जाने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। भारत बॉयकॉट की ओर से वैक्सीन का हरियाणा में तीसरे चरण पर ट्रायल शुरू हो गया है। हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पहला टीका लगाकर तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत की। समाजवादी पार्टी के MLC अमित यादव के हजरतगंज के फ्लैट में चली गोली, एक की मौत। हजरतगंज के लाप्लास इलाके में मौजूद जिस फ्लैट में ये वारदात हुई वह लखनऊ का बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है। हरियाणा में सभी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। रैपर बादशाह का नया सॉन्ग आवारा रिलीज हो गया है। ये सॉन्ग बादशाह के करियर में उतार चढ़ाव को दिखाता है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मेफेयर मॉल में फायरिंग, 8 लोग घायल। घटना के बाद गोलाबारी करने वाले शूटर लापता। न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को बृहस्पतिवार को उनके पहले उपन्यास शगी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार मिला। इंडोनेशिया के सुमात्रा में रहने वाले 33 साल के ताबूत निर्माता जोशुआ हुतांगालुंग उस वक्त रातोंरात करोड़पति बन गया जब उसके घर के छत पर उल्कापिंड का टुकड़ा गिरा। ये उल्कापिंड काफी पुराना था, जिसके बदले में उसे करीब 10 करोड़ रुपए मिले हैं। आप देख रहे थे फास्ट 15। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए लाइक टीवी के साथ। इस चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट में बेल बटन को दबाना ना भूलें।